सब राज्य खुशे। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरी तरफ से सबको हैप्पी लोहड़ी। और अभी बज रहे हैं 6:30 और आज प्लान है कहीं जाने का। तो सुबह सुबह हम तैयार हो चुके हैं और जाने की तैयारी है पूरी। आज मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मतलब मम्मी, भाई और मेरे कज़न हैं उनके साथ। तो बताते हैं कहाँ जा रहे हैं, मिल रहे हैं थोड़ी देर बाद, आपको खुद पता लगेगा। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं प्रास लेक। मैं दिल कुछ जाना तो हुआ। ओ भाई जानी गड्डी आगे। चेन डाले मम्मी, आ जाओ बाहर। ओ भाई स्लेटें बन गई हैं। तो गाइस ये हो गया पंगा यहाँ पे, मतलब बर्फ काफी ज्यादा पड़ी और रोड की तो है बुरी हालत। तो देख रहे हैं आगे तक, देखते हैं कि कैसा रोड है। वैसे अभी तो ठीक है, बीच बीच में पड़ी है बर्फ, तो देख सकते हैं। तो यार मुश्किल ही लग रहा है मेरे को तो, अभी तो ये कुछ होगा। बाकी आपको अपडेट देते हैं अगर कुछ होता है तो। बाकी बने रहें क्योंकि बड़े दिनों बाद हम आपसे मिले हैं, तो ब्लॉग तो देखना बनता है ना। बाकी आपको नज़ारे दिखाएंगे, अभी तो थोड़ी सी बर्फ है यार ऊपर जाके, तो आपको धमाल पड़ने वाली धमाल। तो इधर जुगाड़ खुल गया सारा, देख सकते हो आप हमारे कुक स्पेशल हमने लाए हुए हैं साथ में, और परांठे बन रहे हैं और उधर चाय बन रही है और इधर हम पार्टी कर रहे हैं। जल्दी खाइए और बस दूसरे के लिए भी। फिर गाइस कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है गाइस? बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ का देखने लायक। आपके साथ स्पेशल मैंने पीएसओ हायर, हमारा मिस्टर पुरु। कैसी करें उसी भी लगे थी। आया पूरी नहीं बोला। टारगेट रख लिया है 1-2 बजे तक ये कटी बजे में। वापस क्या टाइम है? चला शेरू, चल चल बेटे आजा। कहाँ चला गया तू? लोग नहीं ठंड दे। तो
और पकड़ दे। साफ हो रहा, शाबाश शाबाश, हो मेरा पुत्र साफ, बिल्कुल चिड़ा होना चाहिए। चल 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 चल, हाँ शाबाश। एक डेढ़ घंटा चढ़ने के बाद हमने शॉर्टकट लिया था नीचे से, तो हम मेन रोड पे पहुंच चुके हैं। देखिए ये ऊपर जो पैरापिट दिख रहे हैं आपको, ये मेन रोड है और ये शॉर्टकट। और जितने ऊपर जा रहे हैं उतनी ही बर्फ़ की मात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है। तो देखिए सड़क पे ही देखिए कितना बर्फ़ पड़ी है, मुश्किल है गाड़ियां तो कहां तक। हो और शेरू हमारे साथ ही चला तब से। तो गाइस यहां से कम हमें 6 किलोमीटर और बचा है, और जहां पे हम खड़े हैं वहां पे बहुत अजीब धूप पड़ी है और स्नो फिल्टर जो है ऑलरेडी मेरे फेस पे लगा हुआ है। तो मैं आपको जो लोकेशन है यहाँ की वो दिखा देता हूँ, बहुत ही सुंदर, मतलब क्या ही बोलूँ यार, इतनी सुंदर लोकेशन, मतलब वाइट वाइट ही सब कुछ। आई थिंक वो सामने वाली पहाड़ी पे होगा प्रेशर लेक। गाइस का मुंह लाल हो गया। गाइस बोलो, गाइस हेलो गाइस। कैसा है, कैसा माहौल है गाइस? बहुत कठिन है पहाड़ों का जीना। कैसा फील हो रहा है आप 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर आगे? चलो फिर आ जाओ, है नी, चलती का नाम जिंदगी जो सर चले। चलो नहीं, डिमांड भी तुम्हारी ही। मेरा पता प्लान है इस दाब दे झील ही बन गया अभी, चलो वापस मेरे जो बोल जाना है। सराई बंद है सब कुछ, मंदिर बंद है, रात कटनी बर्फ सुते रहना। ओ बस बहुत ज्यादा हिम्मत ही, 2700 मीटर आई थी, 2700 चले मम्मी तो आना भी है वापिस, थोड़ा थोड़ा पटाच गेर इन्हें नहीं होना कुछ नहीं, चला हुआ चला चली नहीं होना मैडम। चलो उन्हें पाई रही मांडे तां तो बोले प्रासर जाना, मेरे जूते पाई लेना तुहें आई जाएंगे हैं, मैं तुम्हारे पाई लेंगे ना। वाह वाह वाह, इस टाइम मम्मी सोच रही का सुहाइयों कर रहे कैसो में 6 बजे पट्टा घेर गड़िए रहा खड़ा आंदी नहीं।
मुहा रेंग दे चली रे बोलो गाइस कैसा लग रहा है हेलो गाइस ये तो बहुत कठिन रास्ता है चल चल अयो एक्सपीरियंस कभी चले तो नहीं बर्फ तू जिंदगी च गाय जेड़ देखने पे पकड़ने चलना फुटबॉल बनने दे जान दे बुना आंटी जी हाथ चलाओ लो लो गाइस दो हाथ नहीं नहीं हाथ दो हाथ नहीं दिया जान दे चल चल थल ले रोक की तल लेंगा पेंगे ता चला चलो चलो चला चला पट्टा घेर थोड़ी जी गठिया का घेर अटक रहा 4x4 नहीं चल रही मम्मी अभी देख लो बुना बिलौन आज कर जूते केड़े लंदे रे देखा जे तो आई सी वो ये क्या रसोई चल रहे हैं मेरे गेटा तक जानी गड्डी ओ मेरी चलो मम्मी हूं क्या होया अनी है पता क्या करा मेरे जूते पहनी लो है हाँ तो फाइनली हम एक और शॉर्टकट मार के सड़क के पास पहुंच गए हैं जो मेन सड़क है पर यार यहाँ से लोकेशन देखो ना आप नज़ारे मतलब वाइट वाइट ही दिख रहा सब कुछ और वाह इट्स ब्यूटीफुल अब पता नहीं बोर्ड से लगेगा पता कितने किलोमीटर रह गया है आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 3 या 3 किलोमीटर रहा होना अप्रोक्सीमेटली जितना बिल्कुल लग रहा है इतना तो वहाँ ही होना भी तो गाइस हम पहुंच गए हैं टॉप पर और वो सामने प्रेशर यहाँ से कम 2 किलोमीटर होगा और मेरी मम्मी हमारे गाइड जी आगे चलते हुए 2-3 फुट बर्फ को ऐसे ही पार कर दे रहे हैं बहुत ही अच्छा चलो चलो सफेद चादर से ढका हुआ पूरा ये इलाका जैसे कि आप देख रहे हो और ओ मम्मी डाइया मारते हुए कमांडर ये कमांडर साहब चलो आज आ खिंचो कंडा हौसले बुलंद रखो अब तो मोटिवेट हो गई मम्मी भी मम्मी ने 5 बगेर डाल दिया अब मम्मी कैसा लग रहा है आपको बहुत बढ़िया अब आसान लग रहा है अब बिल्कुल प्लेन ही है वहां तक कोई चक्कर नहीं है फ्रोजन लेक ये पूरी ये नहीं कोई लेक ही नहीं आई छोटी मोटी पर पूरी जम्मी गिरी फ्रोजन लेक बनी गिरी देखा मम्मी आइस स्केटिंग आओ आओ ठीक है मम्मी मैं तो बोला हूँ टीना जे पतरा लेना ना एक हाँ कने अगे रस्ता बनना कने
बस पहुंच चुके हैं हम प्रेशर लेक। बस यहां से थोड़ा सा रहा, तो बस थोड़ा सा सफर रह गया है। इस मोड़ के बाद हम पहुंच जाएंगे। ठीक है मम्मी, चलो यार थोड़ी देर में आपको प्राशर के दर्शन करवाएंगे हम, बने रहिए हमारे साथ। बस जल्दी दिखने वाला है आपको प्राशर लेक, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। ओहो, चलो गाइस, क्या हुआ गाइस? चलो जी चलो, प्रेशर इसी मंदिर में प्रेशर में शराब, अंडा, मुर्गा व अन्य नशीले पदार्थ पूरी तरह से वर्जित हैं। बिल्कुल सही। ओहो, हे मम्मी, कैसा लग रहा है आपको डेस्टिनेशन पे पहुंच के? देख लो यह प्राशर लेक बिल्कुल फ्रीज हो गई है इस टाइम। बैठने को भी जगह। ओह माय गॉड, ये है भाई देखने की चीज। मम्मी गर्मियों में ये चीज नहीं मिलती है देखने, जो भी मिल रही है। टापू नहीं दिख रहा है ये जो है जिसके ऊपर बर्फ पड़ी है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्राशर, देख सकते हो आप बिल्कुल फ्रीज हो गई है प्राशर लेक इस टाइम। और ये वादियां तो चलते हैं फिर, यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा हमें। एक बात तो है दोस्तों कि असली मजा मंजिल का नहीं रास्तों का है।